हाँ, ये हमारे देश का दुर्भाग्य कि ओलंपिक में एक लड़की मेडल ला रही थी, 100 ग्राम के ऊपर उसको निकाल दिया। मुझे तो इसमें वो लगता है कि उनकी बहुत बड़ी गलती है कि 100 ग्राम वजन के ऊपर, लेकिन आज सुबह सुबह पता लगा ऐसा दुर्भाग्य। नहीं, आज तो एक तो तीज की मुबारकबाद दी सबको, और इन लोगों ने इकट्ठा होकर ये कहा था कि तीज के अवसर पर आप शाम को फरुखनगर ब्लॉक में होना, और बादशाहपुर हल्के के जितने पुराने सरपंच हैं, नए सरपंच हैं, मौजूदा आदमी जितने, वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मुस्कुरा के हम आपका सहयोग और समर्थन करेंगे। तो मैं इनसे मिल लूंगा। कुछ समस्या भी रखी ना, छोटी मोटी समस्या है कि भाई इस योजना में जो सरपंच बने 1.5 साल इनका समय बीत चुका, कोई गांव में विकास के काम नहीं हुए। ये लोगों ने शिकायत की है अपनी तरफ से सरपंच, क्योंकि पुराने टाइम में हमारे बहुत काम हुए पिछले राज में, इस 1.5 साल में सरपंच कोई काम नहीं कर पाए, इसलिए लोगों की शिकायत भी थी कि सरकार ने उतने काम नहीं किए जो करने चाहिए। तो क्या लगता है सर, कैसा देख रहे हैं माहौल इस बार? नहीं, आने वाले समय में बहुत अच्छा माहौल है, लोगों की हमदर्दी और लोगों को सकल से हाजिरी से लगता है कि अब के बार नरवीर सिंह को विधायक बना रहे। इसके अलावा ये कुछ वाले भी नहीं, इसको बात को अभी। हाँ, ये हमारे देश का दुर्भाग्य कि ओलंपिक में एक लड़की मेडल ला रही थी, 100 ग्राम के ऊपर उसको निकाल दिया, और ऐसे टाइम पे निकाल दिया जब वो कई जीत चुकी थी कुश्ती। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि मुझे तो इसमें वो लगता है कि उनकी बहुत बड़ी गलती है कि 100 ग्राम वजन के ऊपर, और जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाने के लिए थी, हिंदुस्तान का एक नाम होता है, उसके साथ ऐसा दुर्भाग्य हुआ, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा हो। मैं तो अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर उसको मुबारकबाद भी दी है, लेकिन आज सुबह सुबह पता लगा ऐसा दुर्भाग्य।